बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल फोर व्हील। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ वो है GLI 2013 मॉडल 1.3। आपको बताता चलूँ कि GLI वो गाड़ी है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल और परचेज़ की जाती है। तो इसी के साथ हम गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में गाड़ी की सारी डिटेल बताऊंगा, इस गाड़ी का रिव्यू करूंगा और एंड में आपको इस गाड़ी की प्राइस बताऊंगा। और जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ कर सकते हैं। गाड़ी का रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आवाज़। तो व्यूवर, सबसे पहले आपको गाड़ी का बम्पर दिखाता हूँ। बम्पर की कंडीशन आपको दिखा दूँ कि बम्पर जेन्युइन नहीं है, रीपेंट किया हुआ है और इस पर स्क्रैचेज़ हैं थोड़े बहुत, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ बम्पर में फोग लाइट की जगह छुटी हुई है, लेकिन फोग लाइट इंस्टॉल नहीं है। आप आफ्टर मार्केट इसमें फोग लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं। और आपको बताता जाऊं कि ये गाड़ी इस्लामाबाद नंबर है। और उसी के साथ आपको गाड़ी की लाइट्स दिखाऊं तो लाइट्स की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अपनी कंडीशन में है। लाइट्स कोई स्क्रैच, कोई दाग धब्बा लाइट्स पर नहीं है, कहीं से टूटी नहीं हुई, बिल्कुल अपनी हालत में है। उसी के साथ आपको दूसरी लाइट भी दिखा दूँ तो दूसरी लाइट की कंडीशन भी वही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कोई स्क्रैच कोई दाग धब्बा नहीं है। गाड़ी की मेन ग्रिल ब्लैक कलर में है, उसके ऊपर गाड़ी का लोगो लगा। इसी के साथ आपको दिखाता चलूँ गाड़ी का बोनट। तो बोनट की कंडीशन ये है कि इस पर कोई स्क्रैच कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन बोनट रिपेंट किया हुआ है, जेन्युइन नहीं है, इसे दोबारा रिपेंट करवाया गया है, अपनी जेन्युइन हालत में ये नहीं है। कोई स्क्रैच कोई दाग धब्बा बोनट पर नहीं है, कोई डेंट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बोनट है। और उसी के साथ आपको लेके चलते हैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड के फेंडर की तरफ। तो लेफ़्ट साइड के फेंडर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इस पर कोई स्क्रैच कोई दाग धब्बा नहीं है, कहीं कोई निशान नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन रीपेंट किया हुआ है। फेंडर के बाद आपको गाड़ी के व्हील्स का बता दूँ तो गाड़ी के व्हील्स जापानी योकोहामा के हैं, इंस्टॉल्ड हैं और इसके अंदर आफ्टर मार्केट अलॉय रिम लगाए गए हैं जो कि चारों व्हील्स में इंस्टॉल्ड हैं। उसी के साथ आपको दिखाता चलूँ गाड़ी का फ्रंट डोर। गाड़ी का फ्रंट डोर आप देख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक के ओपनिंग हैंडल हैं। और उसी के साथ फ्रंट डोर की कंडीशन आपको दिखा दूँ तो फ्रंट डोर पर कोई निशान कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन साइड इसकी रीपेंट करवाई हुई हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं बैक डोर की तरफ। तो बैक डोर की कंडीशन भी आपको दिखाता चलूँ तो बैक डोर में भी कोई दाग धब्बा कोई निशान नहीं है, एक छोटा सा डेंट है यहाँ पर, जो कि मैं आपको हाथ लगा के वाजह कर देता हूँ। यहाँ पर एक डेंट है और उसके बाद एक डेंट यहाँ पर है, जो कि शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। बैक डोर के बाद व्यूवर्स आपको दिखाता चलूँ गाड़ी का बैक फेंडर। तो बैक फेंडर लेफ़्ट साइड का आप देख सकते हैं, इस पर कोई निशान कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल अपने कलर्स में है, लेकिन रीपेंट किया हुआ है, कहीं कहीं से इसे कलम भी लगी हुई है और यहाँ पे छोटे मोटे डेंट भी हैं। आपको अगर निशान वाजिया कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ हम बैक डिग्गी की तरफ चलते हैं तो डिग्गी कंडीशन आपको बता दूँ तो डिग्गी इसकी जेन्युइन है, रीपेंट नहीं हुई हुई, यहाँ से थोड़ा कलर वगैरह उतरा हुआ है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, बाकी डिग्गी जेन्युइन है, रीपेंट नहीं करवाया गया डिग्गी। डिग्गी के बाद आपको दिखाता चलूँ गाड़ी का बैक बम्पर। तो बैक बम्पर की आप कंडीशन देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेज़ हैं, लेकिन रीपेंट किया हुआ है, कहीं से कोई डेंट वगैरह कहीं से टूटा हुआ नहीं है। बैक बम्पर के बाद हम चलते हैं गाड़ी की राइट साइड पर। राइट साइड का बैक फेंडर आपको दिखा दूं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच है, ये मैं आपको वाजिया कर दूं। इसी के साथ आप गाड़ी का बाकी बैक फेंडर देख सकते हैं। बैक फेंडर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ से रंग भी उतरा हुआ है, लेकिन ये जेन्युइन है, यहाँ से रीपेंट नहीं किया गया। राइट साइड का फेंडर बिल्कुल जेन्युइन है, रीपेंट नहीं करवाया गया। उसी के साथ हम चलते हैं राइट साइड के बैक डोर की तरफ। तो बैक डोर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये रीपेंट हुआ हुआ है और इस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं। और तो बैक डोर के बाद हम आपको दिखाते चलें गाड़ी का फ्रंट डोर। तो फ्रंट डोर पर यहाँ कोई स्क्रैचेस नहीं है, लेकिन रीपेंट किया हुआ है फ्रंट डोर भी। नीचे से फुट पैरी आपको दिखा दूं तो फुट पैरी पर भी कोई निशान कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है, अपनी हालत में है। फुट पैरी रंग नहीं हुई, रीपेंट नहीं करवाया गया फुट पैरी को, लेकिन गेट जो है फ्रंट का तो इसे पेंट करवाया गया दोबारा और इस पर कोई स्क्रैच कोई दाग धब्बा नहीं है। तो अब आपको गाड़ी के बोनट की तरफ लेके चलते हैं और इंजन रूम दिखाते हैं, इंजन रूम की कंडीशन आपको दिखाते हैं। तो खोलते हैं पहले गाड़ी का बोनट। गाड़ी का बोनट आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ इंजन रूम की हालत। तो इंजन रूम की हालत हम अभी देख लेते हैं। तो
तो ये गाड़ी के इंजन रूम की हालत है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर डस्टिंग वगैरह तो बहुत है लेकिन कहीं से कोई रंग वगैरह नहीं उतरा हुआ, सीलें बिल्कुल पूरी हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी के इंजन रूम की हालत, इंजन रूम में कहीं से कहीं रंग कोई दाग धब्बा नहीं है, कहीं से जंग वगैरह नहीं लगा हुआ और कहीं से रंग वगैरह नहीं उतरा हुआ, बिल्कुल अपनी हालत में है, बिल्कुल जेन्युइन है। बैटरी आपको दिखा दूँ तो बैटरी पर कोई निशान वगैरह नहीं है और नीचे इंजन रूम में भी बैटरी के तेज़ाब के कोई निशान नहीं है। इंजन की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इसका 1.3 लीटर इंजन है जो कि पाकिस्तान में आता है GLI के साथ। अब बोनट बंद करते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि गाड़ी के साथ सेंटर की लॉकिंग सिस्टम है जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया गया है और जो कि वर्किंग में है, काम करता है। और आपको अब गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में राइट साइड के जो डोर है यहाँ पे हमसे सबसे पहले पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाता है जिसे हम पावर विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ पावर लॉक का ऑप्शन है और पावर मिरर कंट्रोल हैं। और उसी के साथ आपको बताता जाऊँ कि गाड़ी के अंदर से जो ओपनिंग हैंडल है वो प्लास्टिक में है, क्रोम में नहीं है। तो इसी के साथ इंटीरियर में आपको गाड़ी के सीट्स दिखाता जाऊँ तो सीट्स की कंडीशन कुछ ऐसी है कि कोई दाग धब्बा कोई निशान वगैरह नहीं है, कहीं से गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सीट्स हैं। बैक सीट्स भी ऐसी ही हैं, फ्रंट सीट की कंडीशन भी यही है और डोर्स के जो कवर हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कहीं पर कोई दाग वगैरह कोई निशान वगैरह नहीं है। उसी के साथ आपको गाड़ी का दिखा दूं डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड की कंडीशन ये है कि बिल्कुल साफ़ है, कहीं से गंदा नहीं है, मैला नहीं है, कोई निशान वगैरह कोई दाग धब्बा डैशबोर्ड पर नहीं है। डैशबोर्ड हार्ड प्लास्टिक में बना हुआ है, फाइबर यूज़ किया हुआ है इसमें। उसी के साथ आपको स्टेयरिंग व्हील दिखा दूँ तो स्टेयरिंग व्हील में भी हार्ड फाइबर यूज़ किया गया है, लेदर में नहीं है। पाकिस्तान में लेदर वैसे कामयाब भी नहीं है तो ज़्यादातर गाड़ियों में फ़ाइबर ही यूज़ किया जाता है और GLI की जितनी भी मॉडल्स हैं उसमें सब फाइबर यूज़ होता है। तो इंटीरियर के साथ साथ आपको गाड़ी की माइलेज बता दूं तो गाड़ी की माइलेज आप देख सकते हैं वीडियो में 1,95,281 किलोमीटर गाड़ी की माइलेज है जो कि जेन्युइन माइलेज है, इसे चेंज नहीं किया गया। और इसी के साथ आपको मीटर दिखा दूँ तो मीटर की कंडीशन ये है कि एक साइड पर RPM मीटर है और एक साइड पर स्पीडोमीटर है। उसी के साथ नोटिफिकेशन बार है जहाँ पर बैटरी के और हैंड ब्रेक के ऑप्शन दिखाए जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दूँ कि गाड़ी में MP3 इंस्टॉल है और स्पीकर भी इंस्टॉल्ड हैं। और इसी के साथ नीचे गियर बॉक्स वाला जो हिस्सा है वहाँ पर प्लास्टिक का कवर लगाया गया सिल्वर कलर में जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। और उसी के साथ आपको दिखाता चलूँ कि हैंड ब्रेक जो कि मैनुअल है, पावर हैंड ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं इंस्टॉल। तो व्यूअर्स गाड़ी की डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब गाड़ी की डिमांड बता दूं तो गाड़ी की डिमांड जो ओनर डिमांड है वो है 17,40,000, लेकिन इसमें कमी बेशी हो जाएगी, रेट कम हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह। इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।